धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाश्ता टेबल पे रख दिया है, किचन में खाना रेडी है, हम जा रहे हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संजय जी भैया, ये पैसे रख ले और गाड़ी की किश्त भर देना। जी भैया। और नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाना। अच्छा भैया, ये पैसे ज्वेलरी आप बैंक लॉकर में क्यों नहीं रखते? अब आप घर पे रहते नहीं, मैं रहते नहीं, इस घर में कोई नहीं रहता। अगर गलती से चोरी वोरी हो गई तो सारा सामान एक साथ चला जाएगा। देख, पैसा तो मैं बैंक में रख सकता हूँ, लेकिन ये ज्वेलरी तेरी भाभी की निशानी है, इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। रोज एक बार उन्हें देख के इसी बहाने उन्हें याद कर लेता हूँ। भैया, आप भाभी के याद के सहारे कब तक जियेंगे? आपको नहीं लगता कि इस घर में एक औरत की जरूरत है? हम तो कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए भैया। संजय, मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूं कि इस घर में कोई भी औरत तेरी भाभी की जगह नहीं ले सकती, इसलिए मैं तो शादी करूंगा नहीं। और रही बात इस घर में किसी औरत के आने की, तो तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? सोच तो, इस घर में बहू आएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तू कहे तो मैं किसी से तेरी शादी की बात चलाऊं, और अगर तेरी नजर में शादी के लिए कोई लड़की है तो तू बता दे, उससे शादी की बात करवा देता हूं। भैया, एक लड़की है, पर मैं चाहता हूं कि पहले आपकी शादी हो जाए। अच्छा जी, तो खुद के मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं और शादी की बात करके अपने भाई की टांग खिंचाई कर रहा है? जल्दी बता, कौन है वो लड़की, बोलना। भैया, उसका नाम रितु है, अभी 3 महीने पहले ही हमारे साथ उसने ऑफिस में ज्वाइन किया है। अरे वाह, पिछले 3 महीने से मेरा भाई प्यार में मजनू बना हुआ है और मुझे खबर ही नहीं। बता, कब मिलवा रहा है उससे, कब मिलवा रहा है इस घर की होने वाली बहू से? भैया, कल संडे है, कल बुला लूं क्या? वाह, बड़ी आग लगी हुई है। कल क्यों, आज शाम को ही बुला ले, लेकिन हाँ, उसके सामने जरा कंट्रोल में रहना, ज्यादा फड़फड़ाना मत, ठीक है? ठीक है भैया। चलो जल्दी से मैं भी तैयार होकर चलता हूँ, वरना दोनों ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। जी। एक बार शादी हो जाने दो बस। संजय, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भैया से मिलके मैं क्या बात करूंगी? अरे इसमें डरने की क्या बात है, जो पूछे वो बता देना। अरे सुनो, एक अच्छा सा ना सलवार सूट पहन कर आना। क्यों, वेस्टर्न ड्रेस में आऊंगी तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे शॉर्ट ड्रेस पहन कर आओगी ना तो भैया तुम्हारे साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। फिर शादी के बाद मेरी वेस्टर्न ड्रेसेस का क्या होगा? रात को पहनना ना मेरे लिए। वैसे भी तुम शॉर्ट ड्रेस में ना बहुत सेक्सी लगती हो। बस तुमसे तो गंदी बातें करवा लो। शर्म नहीं ना आती तुम्हें? दिन में गंदी बातें नहीं करते संजय बाबू, काम पर ध्यान दीजिए, काम पर। वैसे भैया से मिलने कब जाना है? अरे हाँ, भैया तो हमसे पहले ही घर पहुंच जाते हैं। अच्छा मैं काम करते हैं, हम तुम्हें शाम को लेने आते हैं, ठीक है? ठीक है, फिर मैं शाम को रेडी मिलूंगी। चलो अपना ख्याल रखना। आ गए तुम लोग, आओ। बस बस बस, जीती रहो जीती रहो। हम भी अभी आए ऑफिस से, आओ अंदर आओ। आ गए तो बेटा बैठो। तुम दोनों आराम से बैठो, हम तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आते। अरे नहीं भैया, मैं बनाती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, रितु एक बार तुम बहू बनके इस घर में आ जाओ,
फिर हम लोग रोज तुम्हारे हाथ का बना हुआ ही नाश्ता करेंगे। तुम बैठो आराम से। अच्छा ये बताओ, हमारा घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। रितु, तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? वो भैया रितु और उसकी मम्मी रहती हैं साथ में। संजय, हमने तुमसे पूछा है क्या? हम रितु से बात कर रहे हैं ना? बेटा इसे इंटरव्यू मत समझना, हम सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं। बस भैया, मैं और मेरी माँ है। जब मैं 4 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद माँ ने ही मुझे बड़ा किया है। और जब 3 महीने पहले मेरी जॉब लगी है तो मेरी माँ भी मेरे साथ बरेली से आ गई। वो क्या है ना, माँ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और यहाँ पर कहाँ रहते हो तुम लोग? वो इंद्रनगर है ना, उसके पास ही। अच्छा रितु बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें संजय पसंद कैसे आ गया? ये तो बहुत आलसी है। हाँ भैया पता है, वैसे कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक कर दूंगी। ये भी ठीक है। एक मिनट, तुम दोनों आराम से बैठ के चाय पियो, हमें एक अर्जेंट काम है, हम निपटा के आते हैं। और बेटा हमने आपके लिए खाना बना के रखा है, खा के जाना। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, बाय बाय भैया। ए, वो सब छोड़ो। अच्छा मैंने सुना है कि तुम दिन में गंदी बातें नहीं करती। एक बार शादी हो जाने दो, जी भर के गंदी बातें करना। भैया भी मान गए, अब हमारी शादी भी हो जाएगी। भैया तो मान गए डार्लिंग, पर मम्मी, मम्मी को अभी भी मनाना बाकी है। मम्मी भी मान जाएंगी ना, फिलहाल आज के लिए तुम तो मान जाओ। नहीं। भैया घर ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मम्मी जल्दी आइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बस आइए बेटा, तू तब तक नाश्ता तो करा। ओके, समोसे लीजिए भैया। हाँ लेता हूँ। थैंक यू। लो बेटा चाय लो। रितु चाय ले। देखिए विजय जी, हमने रितु को बड़े ही प्यार से पाला है। इसके पापा तो हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो पापा का प्यार क्या होता है रितु को नहीं पता। लेकिन अब जब संजय से शादी हो जाएगी तो बड़े भाई के रूप में इसे पापा का प्यार भी मिल जाएगा। इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है। सुरभि जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रितु मेरी बेटी की तरह है। एक बार वो बहू बनके हमारे घर आ जाए तो बस मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। सही बात है, और मैं भी फिर बरेली चली जाऊंगी। अरे आप बरेली वापस क्यों जा रही हैं? आप चाहें तो हमारे साथ हमारे घर पर भी रह सकती हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं बेटी के घर में ही रह जाऊं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आप यही रहिए ना, बरेली अकेली जाकर क्या करेंगी, यहाँ पर रहेंगी तो मिलना जुलना भी लगा रहेगा। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप मेरे ससुराल में नहीं रह सकते तो क्या हुआ, यहाँ तो रह सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं रह जाऊंगी। अच्छा विजय जी सुनिए ना, पंडित जी ने नेक्स्ट वीक का मुहूर्त निकलवाया है, उन्होंने बोला है वो शुभ है, आपकी क्या राय है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, संजय और रितु अगर ओके हैं तो। आप भैया हमें कोई एतराज नहीं है, आप दोनों जैसा ठीक समझे। तो ठीक है, अगले हफ्ते इन दोनों की शादी करवा देते हैं। जी बहुत अच्छा, फिर इस बात पे तो मुंह मीठा करना बनता है ना? बिल्कुल, लीजिए ना जलेबी लीजिए ना।
रितु, संजय, उठो बेटा, 7 बज गए। कहाँ जा रहे हो? आवाज लगा रहे ना भैया। अरे यार, संडे है ना, ऑफिस थोड़ी है कि वो लेट हो रहे हैं। पर भैया की चाय तो लेट हो रही है। मैंने इसीलिए मना किया था ना कि मेट को मत निकालो, पर तुम सुनती कहाँ हो हमारी? घर से लेकर ऑफिस का सारा काम तुम संभालती हो। 1 महीना हो गया हमारी शादी को, तुम मेरी बीबी हो, मेड नहीं। और इस घर की बहू भी, और बहू के रहते मेड की क्या जरूरत है? चलो अब जाने दो, वरना भैया फिर से आवाज मारे। और मुझे चेंज भी करना है, नाश्ता भी बनाना है। बाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया, मैं भी फटाफट से चाय बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज तो संडे है, तुम अपनी मम्मी के घर जा रही हो ना? नहीं भैया, मैं नहीं जा रही, एक्चुअली मम्मी आ रही है शाम को। अच्छा।